The scene was a becoming part. वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। टेक्सटाइल नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक आइडियल स्पिंडल से रिलेटेड है। आइडियल स्पिंडल हम ऐसे स्पिंडल्स को कह देते हैं कि जो प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते, किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर कोई स्पिंडल बंद है तो उसे हम क्या कह देंगे, आइडियल स्पिंडल। यहाँ पे आइडियल स्पिंडल में फॉल्ट आने में मेंटेनेंस और प्रोडक्शन दोनों की नेग्लिजेंसी शामिल होती है। प्रोडक्शन की नेग्लिजेंसी ये होती है कि वो प्रॉपर चेकिंग नहीं रखते, वक्त पे सिलाई नहीं लगाई, क्लीनिंग नहीं प्रॉपर रखी, और इसी तरह मेंटेनेंस की नेग्लिजेंसी ये होती है कि अनट्रेंड अनस्किल पर्सन है, रूट कॉज को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर सका। ठीक है जी, इसके अफेक्ट्स हमारे पास क्या आइडियल स्पिंडल के आते हैं, वेजेस पे अफेक्ट आते हैं कि वेजेस पर केजी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट आ रहा है कि ओपीएस हमारे पास लो हो जाते हैं, और इसी तरह हमारे पास एनर्जी पे अफेक्ट आ रहा है कि एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है जी, हमारे पास आज का मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास आइडियल स्पिंडल की काजिज क्या हैं यान पाथ के हवाले से। ठीक है जी, मेंटेनेंस के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है ताकि हमारे पास आइडियल स्पिंडल मिनिमाइज हो सकें। ठीक है जी, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है जी स्पिंडल बूस्टर। स्पिंडल बूस्टर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, स्पिंडल बूस्टर या तो ख़राब हो सकता है या स्पिंडल बूस्टर बहुत पुराना है तो जाम भी हो सकता है। ठीक है जी, तो स्पिंडल बूस्टर अगर जाम है या स्पिंडल बूस्टर ख़राब है तो ये दोनों जो है वो क्या होता है, इसकी वजह से स्पिंडल हमारा रुक रुक के चल रहा होता है। ठीक है जी, प्रॉपर वो फ्लो नहीं हो रहा होता। तो ऑयल होता है जी, ऑयलिंग ज़रूरी है, बूस्टर की ऑयलिंग है, आप ऑयलिंग करें। अगर जाम है ठीक है तो मेंटेनेंस वाले बंदे को चाहिए कि वो इसकी प्रॉपर ऑयलिंग करे, अगर वो ज़्यादा ख़राब है तो वो बूस्टर को चेंज करें। ठीक है जी, इस तरह दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी स्पिंडल बटन फ्लाई। स्पिंडल के कॉर्नर पे ऊपर वाली साइड पे टिप की तरफ ना तीन वो छोटे छोटे से गोल से बटन लगे होते हैं। ठीक है जी, वो अगर हम हाथ से उनको पुश करते हैं तो वो अंदर को दब जाते हैं। ठीक है जी, इनमें क्या होता है, इन बटन्स का रोल क्या होता है, रोल इनका ये होता है कि ये बाबन को जो है वो ज़रा उसको ग्रिप दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये बटन गिर जाते हैं तो क्या होता है, तो बाबन जो है वो लूज़ होके हिल के चल रही होती है। ठीक है, वो प्रॉपर बैठती नहीं, उसकी सिटिंग नहीं बैठती, कारीगर बाबन चेंज करता है, बार बार चेंज करता है, लेकिन वो बाबन वाइब्रेट कर रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यान ब्रेक होता है। तो वो कारीगर तंग आकर क्या कर देता है, उसको धागे को वो ऊपर पुनी को बांध देता है। ठीक है, वो आइडियल स्पिंडल में शुमार हो जाता है। ठीक है जी, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप वो जो है ना वो बटन को चेंज करें, उसको प्रॉपर मेंटेन करें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पिंडल टेप। स्पिंडल टेप के हवाले से ये है जी, स्पिंडल टेप या तो बहुत ज़्यादा थिन हो गई होती है, पतली हो गई होती है, या टूट जाने वाली होती है तो उसको हम चेंज कर दें। ठीक है, या स्पिंडल टेप पे बहुत ज़्यादा फ्लाई फंस जाती है, फ्लाई या कोर्स काउंट जहाँ पे चल रहे होते हैं वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फ्लफ हो रही होती है, तो वो क्या होती है, वो स्पिंडल टेप के साथ प्रॉपर अगर उसकी क्लीनिंग नहीं की होती तो बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो वो हमारे पास टूथब्रश होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के रेगमार होते हैं, तो वो टूथब्रश से ऐसे स्पिंडल के कॉर्नर पे लगा के, टेप के कॉर्नर पे लगा के, तो वो क्या करते हैं, हम क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक है जी, तो दूसरा हमारे पास ये होता है कि या स्पिंडल टेप स्लिप कर जाती है जोकी पुली से। अच्छा, जोकी पुली से अगर स्पिंडल टेप स्लिप कर जाती है तो क्या होता है, उससे वो स्पिंडल की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, सीएलएसपी लो आती है, टीपीआई कम हो जाता है, तो ये भी यान पे एक बैड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, धागा इससे भी टूटता है, प्रॉपर रनिंग नहीं होती। ठीक है जी, तो इसलिए इसकी भी मेंटेनेंस ज़रूरी है, ये भी आइडियल स्पिंडल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम स्पिंडल की तरफ आते हैं, तो स्पिंडल आउट टर्म होती है जी, अगर स्पिंडल हिल हिल के चल रहा है, स्पिंडल वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है जी, और वो क्या होता है, वो स्पिंडल के वाइब्रेट करने से क्या होता है, वो ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, इसमें काज क्या होता है, इसका मेन जो इसकी होता है वो ये होता है कि स्पिंडल की सेंटरिंग नहीं होती। ठीक है, तो वो प्रॉपर उसकी जी सेंटरिंग ज़रूरी है स्पिंडल की।
ठीक है, उसको चेक करें मेंटेनेंस वाले, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट हो। उसके बाद है रिंग आउट। रिंग आउट हमारे पास क्या है, रिंग आउट हम कहते हैं जो चूड़ी हमारे पास है उसकी अगर सेंटरिंग ख़राब हो गई है तो उसकी सेंटरिंग गेज ज़रूरी है। इसकी गेज होती है जी, वो गेज बड़ी ज़रूरी है। तो अगर इसकी सेंटरिंग आउट हो गई है तो हमारे पास जो बलून बन रहा होता है वो एक साइड को हो जाता है, ठीक है जी, वो प्रॉपर सेंटर में नहीं आ रहा तो बलून एक साइड को हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो धागा जो है ना वो भी एक साइड को हो जाता है, ठीक है जी, वो एक साइड से बलून बढ़ा है एक साइड से बलून छोटा हो जाता है, तो ट्रैवलर उस तरफ लटक के ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, तो ट्रैवलर पे भी वेट आता है, ब्रेकेज होती है, ठीक है जी, ये भी वजह है। इसलिए इसकी जो सेंटरिंग गेज है रिंग की वो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि रिंग वन आउट हो गया होता है, जो हमारे पास चूड़ी है वो घिस गई होती है, ठीक है, वो जब छल्ला वहाँ से गुजरता है तो क्या होता है छल्ले को भी रगड़ लगती है, तो वो क्या करता है वो धागा भी छील देता है, जिसकी वजह से भी ब्रेकेज होती है। और चूड़ी को भी चेक करना चाहिए कि उसकी लाइफ कितनी हो गई है, पूरी तो नहीं हो गई, तो अगर लाइफ पूरी हो गई है तो मशीन की चेंज कर देनी, तो अगर सिंगल पीस है किसी वजह से नहीं सफाई हुई तो वो प्रॉपर उसकी जो है ना वो सफाई और केयरिंग जरूरी होती है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फ्लाई कैचर। ये चूड़ी के साथ ही छोटा लगा होता है फ्लाई कैचर होता है, ये क्या करता है ये जो फ्लफ है फ्लाई है फ्लफ है उसको रोकता है। फ्लाई कैचर की भी जी प्रॉपर एक ये ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। कोर्स काउंट से फाइन काउंट तक अगर हम जाते हैं तो कोर्स से फाइन में फ्लाई कैचर की जो गेज है वो डिफरेंट होती है जी, ठीक है जी, तो ये गेज के हिसाब से इसकी सेटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसकी गेज में फ़र्क है या ये लूज है ज़्यादा लूज है या ज़्यादा टाइट है तो क्या होता है ये जो फ्लफ है वो फ्लाई कैचर जो है वो उसमें जो फ्लफ फंसी होती है वो क्या होती है वो ट्रैवलर अपने साथ लेता जाता है, ठीक है जी, वो जब ट्रैवलर अपने साथ फ्लफ लेता है तो क्या होता है वो छल्ला जो है ना वो उस पर लोड आ जाता है और या फिर वो फ्लफ जो है वो धागे के साथ चली जाती है, ठीक है जी, फ्लाई तो छल्ला उड़ जाता है जल जाता है, तो ये भी फ्लाई जो है फ्लाई कैचर जो है इसकी प्रॉपर गेज जो है वो उसकी सेटिंग ज़रूरी है। इसके अलावा ऊपर आए तो हमारे पास आता है जी लैपर्ड हुक। लैपर्ड हुक है, लैपर्ड हुक हमारे पास ये है कि वो लैपर्ड हुक वन आउट हो जाती है। वन आउट इस वजह से होती है कि ऐसे दर से वो धागा गुजर रहा होता है, मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ काउंट उससे गुजर रहे होते हैं, अगर उसकी सेंटरिंग प्रॉपर नहीं है तो, ठीक है, वो क्या होता है धागा उसके साथ अगर खा के गुजरता है कई दफ़ा ना, तो उसकी वजह से अगर खा के गुजरने की वजह से वो क्या होता है वो घिस गई होती है, ठीक है, वहाँ से भी फिर एक यार्न में ब्रेकेज आ जाती है, ठीक है, तो वो भी जो है ना लैपर्ड हुक की भी चेकिंग जो है ना वो ज़रूरी है। रिंग ट्रैवलर है, रिंग ट्रैवलर हमारे पास उसकी प्रॉपर जो वो टाइप्स होनी चाहिए रिंग ट्रैवलर की, छल्ला जला हुआ नहीं होना चाहिए, छल्ले का मटेरियल ठीक होना चाहिए, उसकी टाइप प्रॉपर होनी चाहिए, उसका नंबर प्रॉपर होना चाहिए, चूड़ी के मुताबिक होना चाहिए, मटेरियल के मुताबिक होना चाहिए, ट्रैवलर की लाइफ को चेक करना चाहिए, ठीक है जी, और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी पर चेंज कर देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, तो इससे भी हमारे पास जो है ना वो ब्रेकेज होती है और स्पिंडल्स जो हैं वो आइडल बनने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। आगे हम आते हैं तो फ्रंट रोल आता है, फ्रंट रोल पे हमारे पास चांसेस होते हैं लैपिंग के, फ्रंट रोल लैपिंग आ जाती है। फ्रंट रोल लैपिंग की वजह क्या हो जाती है, रबर कॉर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा प्रेस हुए हुए हैं, ऊपर निशान पड़े हुए हैं या कट लगे हुए हैं, तो क्या होता है वो लैपिंग हो जाती है वहाँ पर, ठीक है जी, तो रबर कॉर्ड को बफ कर दें या चेंज कर दें, जोड़ा अगर कटा हुआ है तो रिप्लेस कर दें, ठीक है जी, रबर कार्ड्स एक रीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा ये है कि निमाफिल कारीगर ने नहीं निकाला, निमाफिल नहीं निकाला तो वो सेक्शन प्रेशर रो हो जाता है, उसकी वजह से जो निमाफिल बांसरी है उसमें निमाफिल फनस जाता है, ये भी वजह है। अगर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निमाफिल ट्यूब को देखें या सक्शन ट्यूब को देखें तो उसकी प्रॉपर वॉशिंग ज़रूरी है, ठीक है जी, अगर वॉशिंग नहीं करते हो तो क्या होता है उसके अंदर साइड में ना डस्ट जा के और वो चिकनाहट सी हो के वो जम जाती है, ठीक है, वो जब भी धागा टूटता है किसी वजह से वो क्या होता है वो धागा टूटता है तो वो धागा निमाफिल बांसरी में जाता है, वो सक्शन ट्यूब में फनसता जाता है, ठीक है, वो आगे नहीं जाता और उसकी वजह से क्या होता है वो फ्रंट रोल पे लैपिंग हो जाती है। फ्रंट रोल पे लैपिंग होती है तो वो कोई प्रोसीजर है वो उसकी सफाई ज़रूरी है निमाफिल बांसरी की, तो अगर सफाई नहीं है और बार बार वो बार बार टूट के और बार बार फनस रहा है तो कारीगर उसको क्या करता है वो ऊपर बांध देता है, ठीक है, पूनी बांध देता है, वो भी स्पिंडल जो है वो आइडल स्पिंडल में ही कंसिडर होता है।
इसके अलावा ये है कि टॉप जो हमारे पास आर्म है वो उसको जब हम उसको वो एक साइड पे उसको स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है ना, वो साइडेड टॉप आर्म साइडेड हो जाता है। वो क्या होता है जब हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो एक साइड पे हो जाता है, एक तरफ को हो जाता है प्रेस करते हुए ना। प्रॉपर उसको बैठना चाहिए सेंटर में, लेकिन उसकी टॉप आर्म की सेंटरिंग बहुत ज़रूरी है, वो सेंटरिंग नहीं होती, ठीक है। वो उसके पीछे एक पिन लगी होती है, वो पिन से एल्के की मदद से उसको थोड़ा सा लूज करके तो उसकी सेंटरिंग बिठानी पड़ती है। अगर सेंटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, धागा एक साइड पे होकर चलता है और ब्रेकेज होती है, ठीक है जी। वो साइड पे होकर जब धागा चलता है तो बार बार ब्रेकेज होती है, तो कारीगर क्या करता है वो उसको आइडियल कर देगा, वो कहेगा नहीं जी ये ब्रेकेज कर रहा है, ये स्पिंडल नहीं ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी जो है ना वो सेंटरिंग चेक करना जरूरी है कि ये ब्रेकेज इस वजह से तो नहीं हो रही। रबर कॉर्ड्स डैमेज को हम देख चुके हैं, रबर कॉर्ड डैमेज ये है कि अगर उसकी प्रॉपर बफिंग नहीं हुई, रबर कॉर्ड्स की बफिंग का एक ड्यूरेशन होती है, लाइफ होती है, और इसी तरह रबर कॉर्ड्स की भी लाइफ होती है अपनी, तो उसकी एक लाइफ को चेक करना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर रबर कॉर्ड्स ख़राब हैं, डैमेज हो गए हैं, तो उनको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, और अगर वो ऊपर निशान वगैरह पड़ा हुआ है तो बफ़ करके अगर ठीक होता है तो वो बफ़ कर देना, नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेकेज होगी, यान ख़राब बनेगा, ठीक है जी। तो वो स्पिंडल भी आइडल स्पिंडल में कंसीडर होगा। टॉप बॉटम एप्रन है, टॉप बॉटम एप्रन में हमारे पास या तो चल चल के, कई दफ़ा इस तरह होता है कि उनकी लाइफ को चेक करना चाहिए, कई दफ़ा चल चल के पुराने हो जाते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारे पास है बॉटम एप्रन या टॉप एप्रन, उन पर लाइनिंग आ जाती है, फट जाते हैं, ठीक है। वो जो फट जाते हैं तो क्या होता है, वो यान को भी कट कर रहे होते हैं, ब्रेकेज का बायस बनते हैं। कई दफ़ा बॉटम एप्रन जो है वो क्या करता है, वो एक टेढ़ा होके साइड पे होके चल रहा होता है, ठीक है जी, उसकी वजह से भी यान फ्लो प्रॉपर नहीं होता, या फिर बॉटम एप्रन के नीचे जो है वो ज़रा कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो रुक रुक के चल रहा होता है, वो बॉटम एप्रन नहीं चलता प्रॉपर, ठीक है जी। तो वो भी वजह हो सकती है, इस वजह से भी इनकी चेकिंग भी जो है ना वो ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बॉटम एप्रन को देखें तो बॉटम एप्रन जो है वो उसके नीचे वो छोटी सा एक टेंशन पुली लगी होती है, टेंशन पुली में अगर बॉटम एप्रन ठीक तरह से वो फिट नहीं बैठा हुआ तो क्या हो रहा है, ठीक है, वो टेंशन पुली जो है वो एक साइड पे होके चलती है, ठीक है, तो बॉटम एप्रन भी जो है ना वो ठीक नहीं चलता, ठीक है, तो ये भी चेकिंग ज़रूरी है। और इसके अलावा जो बॉटम एप्रन की बार होती है, जिसे हम नोस बार कह रहे होते हैं, दरमियान में जिसके ऊपर बॉटम एप्रन होते हैं, तो अगर उसकी भी फिटिंग ठीक नहीं है तब भी बॉटम एप्रन जो है ना वो क्या है, वो भी जो है ना उसको भी वो टेढ़ा हो के चलेगा, ठीक है। तो ये बॉटम एप्रन के केस में ये चीज़ें भी देखना, मेंटेनेंस के पॉइंट्स हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैश एप्रन है, मैश एप्रन को अगर हम देखें तो मैश एप्रन की भी लाइफ होती है, उस लाइफ को भी हमें नोट करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर मैश एप्रन के नीचे कचरा है उसे साफ़ करना ज़रूरी होता है, अमूमन प्रोडक्शन वाले ये चेक रखते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई मैश एप्रन में कट आ गया है, फट गया है मैश एप्रन, या साइड से जो है वो मैश एप्रन फट गया है, तो क्या है वो होल हो जाते हैं मैश एप्रन में, तो वो मैश एप्रन की सफाई भी ज़रूरी है, या उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। अगर मैश अपना कट है तो वो बार बार ब्रेकेज होगी, ठीक है। आर्बर और क्रेडल जाम, आर्बर और क्रेडल जाम में इसमें आर्बर की ग्रीसिंग होती है, आर्बर की ग्रीसिंग का एक शेड्यूल है कि इतनी देर बाद आर्बर की ग्रीसिंग है वो ज़रूरी होती है। अगर आर्बर की प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होती तो वो ग्रीस अंदर से खुशक हो जाती है, तो आर्बर जाम हो जाता है, रुक रुक के चल रहा होता है, जिसकी वजह से भी ब्रेकेज होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बॉटम रोल होता है, बॉटम रोल में साइड पे बैरिंग लगा होता है, नीडल बैरिंग कहते हैं, ठीक है जी। वो नीडल बैरिंग भी कई दफ़ा हीट अप हो जाता है या बैरिंग ख़राब हो गया होता है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर बैरिंग ख़राब हो गया है तो वो बॉटम रोल हमारा क्या करता है, वाइब्रेट करता है, हिल हिल के चल रहा होता है, ठीक है। तो वो हमें बैरिंग तब्दील कर देना चाहिए अगर बैरिंग हमारा ख़राब हो गया है, या अगर वो बैरिंग ठीक है और उसको चेक करना चाहिए, अगर जस्ट वैसे गर्म हुआ है तो वो इस वजह से हो रहा होता है, तो उसमें ना प्रॉपर ग्रीस नहीं रहती, ठीक है जी। तो वो आपको उसका ग्रीस प्रॉपर चेक करनी ज़रूरी है, ठीक है जी।
इसके अलावा हमारे पास स्पेसर आ जाता है। स्पेसर हमारे पास अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसर को हमारे पास चेक करना ज़रूरी है, स्पेसर मिसिंग तो नहीं है। अगर स्पेसर मिसिंग नहीं है, लगा हुआ है, तो उसका साइज़ को चेक करना चाहिए कि हमारे पास स्पेसर क्या प्रॉपर साइज़ का लगा हुआ है। पिन स्पेसर है तो वो पिन के ऊपर से यान को चेक करना चाहिए, वो तो नहीं धागा गुजर रहा, ठीक है जी। तो इसकी स्पेसर की जो है ना वो गेज को भी चेक करना चाहिए और इसके नंबर को भी प्रॉपर चेक करना चाहिए, नहीं तो ये भी आइडल स्पिंडल बनने का बायस बनता है, धागा बार बार टूट जाता है, ठीक है जी। रोविंग गाइड के केस में ये है कि अगर रोविंग गाइड नहीं है तो रोविंग गाइड लगा देनी चाहिए, मिसिंग है तो उसको भी चेक करना चाहिए, ये भी मेंटेनेंस के पॉइंट में आ जाता है। और इससे भी पुनी जो है वो पुनी के साथ नहीं तो वो साधना फ्लफ आती है और वो पुनी प्रॉपर नहीं बैठती, ठीक है जी। और रोविंग गाइड की वो सफाई भी जरूरी है, ठीक है जी। और इसके अलावा बाबन होल्डर होते हैं जी, ऊपर हैंगर होल्डर जो ऊपर लगे होते हैं, हैंगर के होल्डर होते हैं, वो चेक करने चाहिए वो जाम तो नहीं है। अगर वो हैंगर के हमारे होल्डर हैं वो जाम है हमारे पास, प्रॉपर मूव नहीं कर रहे, तो क्या होता है वो एक पुनी में ना टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है जी। और वो अड़ अड़ के चल रही होती है, घूमती नहीं प्रॉपर, और जब वो घूमती नहीं प्रॉपर और अड़ अड़ के चल रही है तो टेंशन की वजह से क्या होता है वो ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जो हमारे पास पुनी आ रही है उसमें ड्राफ्ट आ जाता है, ठीक है जी। वो ड्राफ्ट की वजह से क्या होता है वो कहीं से थिक कहीं से थिन प्लेसेस बन जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है ना वो चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो है ना वो यार्न टूट जाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो यार्न का एक फ्लो है हैंगर से लेकर बूस्टर तक, उसमें डिफरेंट जो पाद आते हैं जहाँ जहाँ से यान गुजर रहा है उसमें पॉइंट्स हैं मेंटेनेंस के, जिनकी वजह से जो कास्ट बन रहे होते हैं स्पिंडल के और जिनकी चेकिंग हमारे पास ज़रूरी होती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अगर डिपार्टमेंट में हमारे पास ब्रेकेज है तो हमारे पास जो है आइडल स्पिंडल बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रेकेज होने की वजह से बार बार धागा टूटता है और कचरा उड़ता है, ठीक है जी। तो ये भी एक चांस है। अगर इसके अलावा ब्रेकेज के और भी वजूहत हैं, अगर आर एच हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है जी, तो लैपिंग हो जाती है। और अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो क्या होता है तो धागा किरना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो धागा किरता है, ठीक है, तब भी ब्रेकेज होती है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर जो है वो हमारे पास क्या है आरएच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। रिंग के धागे के फ्लो के लिए आरएच का होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी हम आइडियल स्पिंडल को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। मशीन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, आफ्टर सम डेज मशीन की क्लीनिंग है, क्लीनिंग का शेड्यूल होना चाहिए। अगर मशीन की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही तो भी मेंटेनेंस के फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन के फॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो आइडियल स्पिंडल बनने का चांस बढ़ जाता है, तो क्लीनिंग प्रॉपर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा स्किल्ड लेबर होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए लेबर की, ठीक है जी। लेबर को प्रॉपर बताना चाहिए कि क्या क्या उनसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह जिनकी क्लीनिंग ज़रूरी है, जिनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है जी। तो वो प्रॉपर स्किल लेबर होने चाहिए। अगर अनस्किल्ड लेबर है तब भी आपके पास क्या होता है वो ऐसे फॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो सॉफ्ट वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होता है उससे जब पुनी हमारे पास मिल्क बन के आगे आती है तो क्या होता है वो ब्रेकेज बढ़ जाती है, ठीक है। वो रेशियो ब्रेकेज की कुछ परसेंट बढ़ जाती है, ब्रेकेज बढ़ने से क्या होता है वो चांसेज हो जाते हैं आइडियल स्पिंडल बढ़ने के। ये ओवरऑल इफेक्ट है जो डिपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास बैक प्रोसेस में रोविंग है, अगर रोविंग पे सिंप्लेक्स फ्रेम पे ब्रेकेज है तो बार बार क्या होगा थिक थिन प्लेसेस आ जाते हैं, वीक प्लेसेस बन जाते हैं, थिक प्लेसेस बन जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है वो रिंग में जाके जब वो वाला जो पुनी है वो अनड्राफ्ट होती है तो क्या होता है वहाँ पे भी ब्रेकेज के चांसेस बन जाते हैं, वो जो कंपैक्ट ट्राई एंगल है वो प्रॉपर नहीं बनती थिक थिन प्लेसेस होने की वजह से, तो हमारे पास ब्रेकेज बढ़ती है। वो ब्रेकेज बढ़ती है, बार बार ब्रेकेज बढ़ती है तो कारीगर तंग आता है, तो वो आइडियल स्पिंडल की रेशियो को बढ़ा देता है,
ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर फिंचर से कुछ अनड्राफ्टेड मटेरियल पास हो रहा है, प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं हो रही है, अनइवननेस आ रही है, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और रोविंग में ब्रेकेज है तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो ओवरऑल डिपार्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो ओवरऑल काजेज बनती हैं। अगर ओवरऑल डिपार्टमेंट हमारा अफेक्ट है तो उसमें आइडियल स्पिंडल के चांसेस बन सकते हैं, और अगर यान पाथ को देखें तो उसमें भी आइडियल स्पिंडल जो है वो चांसेस बनते हैं, और उनको हम किस तरह कवर करते हैं वो हमने अलग-अलग एक एक बता दिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।